सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं यहाँ पर। और गाइज, आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं केवल 500 लाइक का, तो यार फटाफट से कंप्लीट करवा दो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, जो की है ओरिंगटन वर्सेज द वर्ल्ड ऑफ बैटल एट टू साइड गेमर के बीच में। और इसके अलावा बात करेंगे फ्री फायर इंडिया के अपडेट के बारे में, की करेना वालों ने क्या कुछ रिप्लाई किया है फ्री फायर इंडिया के बारे में। तो आज की वीडियो में काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात होने वाली है, वीडियो को तक जरूर से देखना। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया के बारे में। तो गरेना फ्री फायर ने क्या कुछ कहा फ्री फायर इंडिया को लेकर के बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बताने वाला हूँ एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो क्या आपको भी प्ले स्टोर की तरफ से ये वाला नोटिफिकेशन आया, जहाँ पर बताया गया कि आपका फ्री फायर गेम अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर में। तो स्टार गेमर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर बताया कि काफी सारे लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे अभी के टाइम पर कि उनको गेम अवेलेबल दिखा रहा है प्ले स्टोर के ऊपर में। तो ऐसा वाला नोटिफिकेशन काफी सारे लोगों को गया है, लेकिन अभी इंस्टॉल करने का ऑप्शन अभी भी नहीं मिला वहाँ पर। तो मे भी शायद एक हिंट हो सकता है कि फ्री फायर की तरफ से काम चल रहा है यहाँ पर। एंड इसके अलावा हम बात करने वाले हैं गरेना फ्री फायर ने क्या कुछ रिप्लाई किया है फ्री फायर इंडिया को लेकर के। तो ब्लैक बियर्ड अपने चैनल पर बताया कि वो गरेना वालों से बात किए थे, एंड गरेना वालों ने उनको क्या कुछ बताया आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा, गेम में गाइस बहुत ग्लिचेस और बग्स हैं जो मुझे सुनने में जैसा आया है, और उसको फिक्स किया जा रहा है। वो एक ही बात को लेकर बार बार लगी हुई थी कि देखो यार, हम गेम को 20 महीने बाद लेकर आ रहे हैं और फ्री फायर इंडिया खुद का एक नया गेम है इंडियन जनता के लिए, तो जब तक उसमें एक एक चीज सही नहीं होगी हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। मैंने से बताना पूछा कि यार एक बात बताओ, ये तो पक्की बात है ना कि गेम आएगा? उसने कहा फॉर श्योर, ये तो कहीं दूर दूर नहीं है कि गेम फिर से दबे। एंड इसके अलावा जब अज्जू भाई एंड देसी गेमर साथ में खेल रहे थे, वहाँ पर वो बात किए फ्री फायर इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर अज्जू भाई अपने ओपिनियन रखते हुए कुछ ये कहे फ्री फायर इंडिया कम बैक को लेकर के। मैं तुम लोग एक आईडिया दूं, जैसे फ्री फायर इंडिया आएगा ना, आ तो जाएगा ना, आ तो जाएगा ना, पक्का है। 99% तो लगता तो नहीं है, मुझे भी अब तो डर लग रहा है। अचानक से लोगों ने क्या हो गया, सब कुछ छूट चुके हैं, तगड़ा काट दिया दो लोगों ने भाई। मतलब नहीं, जो मार्केटिंग टीम है इनका, गवर्नमेंट ने काट दिया तगड़ा वाला, सब स्पॉन्सर करवा लिया, लोगों को पैसे दिला दिए। अरे कुछ तो वो हुआ ना, कुछ तो वो बोल रहे थे कि कुछ तो उन लोगों को काम, कुछ काम बाकी रह गया तो वो करके वो लोग रीलॉन्च करेंगे ये में, मतलब गेम में। नहीं यार अजय, इतना कुछ होता अजय, सोचो ऐसा होता देखो, 3-4 दिन में आ जाता। हाँ नहीं, उन्होंने 5 तारीख का डेट क्यों दिया, इतना साल तो वेट करे और 10 दिन बाद ही अनाउंस करते वो लोग। ऐसा नहीं है कि डाटा ट्रांसफर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गेम की कंपनी है वो। गाइज, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी कंट्रोवर्सी को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी गेम एक स्टोरी अपलोड किए थे, जहाँ पर बात किए थे थर्ड पार्टी के बारे में। तो वहाँ पर वो बताए थे कि 2 से 3 टीम ऐसी जो कि उनको बार बार थर्ड पार्टी करी है टूर्नामेंट के अंदर में, लेकिन वहाँ पर वो नाम वगैरह नहीं बताए थे कि वो दोनों टीम कौन सी है, लेकिन अभी नाम सामने आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 नाम निकल कर सामने आए हैं, जैसे कि द वर्ल्ड ऑफ बैटल और टू साइड गेमर। और जैसे ही आज ओरिंगटन ने ताबड़तोड़ अपना गेम प्ले दिखाया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया था इंटरनेट के ऊपर में। तो जैसा कि आप यहाँ पर ओरिंगटन का परफॉर्मेंस देख सकते हो, पॉइंट वाइज यहाँ पर वो टॉप पर 1 है। एंड इसके बाद में जोंटी भाई भी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर में ट्रोल किए द वर्ल्ड ऑफ बैटल को। लेकिन यहाँ पर ओरिंगटन के ओल्ड मोंग अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए, जहाँ पर बताया कि भाई ऐसे वाले रील्स वगैरह मत बनाओ, टूर्नामेंट की बातों को टूर्नामेंट तक रखो। क्योंकि गाइज, कल के टाइम पर ओरिंगटन के जो फैन लोग थे वो काफी ऐसे मीम्स वगैरह क्रिएट करे थे द वर्ल्ड ऑफ बैटल के अगेंस्ट। और गाइज, इसके बाद में हेड स्प्लेस भी अपनी लाइव स्ट्रीम पर इस मैटर के ऊपर में रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट स्टफ कि जो गेम में होता है ना वो गेम के अंदर ही रखो, एंड मतलब गेम रिलेटेड ही रखो। जैसे अभी सोचो, TSG ने थर्ड पार्टी किया, TWB ने थर्ड पार्टी किया, हमने उनको थर्ड पार्टी किया अपना, मतलब वो लोग ने थोड़ा फन मजाक उड़ाया अपना, हम लोग ने उनका मजाक उड़ाया, फन है बस, उतना ही खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उनको हर स्ट्रीम में, मतलब आज का बात है आज और कल तक, उसके बाद और एक्सटेंड कर रहे हो कि हाँ बस उसके फैमिली को गाली दे रहे हो और उसको हमेशा हेट ही दे रहे हो, तो मतलब वो सब नहीं होना चाहिए। जो गेम का दिन था, गेम का दिन ही ख़त्म करो और सच 1-2 दिन एक्स्ट्रा फन करो, बट ठीक है, बिकॉज एट द एंड OG हो जाए या TW हो जाए या TSG हो जाए, सब सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स ही है ना। तो एंड उस पर सब TWP पे मेरा दोस्त है इग्नाइट है, बहुत बहुत अच्छा बंदा है, मतलब IRL बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, गेम में वो सब होता है यार, गेम में देखो अभी एग्जांपल बताता हूँ, मैं और हाइड्राफ्लिक, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं और आईफ्लिक्स, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, बट जब इन गेम आते हैं, ठीक है,
जब हम लोग कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हम लोग भी ड्रॉप क्लैश करते हैं, हम लोग एक दूसरे को जीतने नहीं देते हैं, वो गेम के अंदर जो अपना कॉम्पिटिशन रहता है ना वो हेल्थी होता है। जब ये चीज पूछा गया फौजिया जैसे, जहाँ पर वो बात किए थर्ड पार्टी मैटर को लेकर के, और होता ना गाइस बहुत दुखी होता है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं, मैं बड़े टूर्नामेंट में भी करूँगा ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितनी टीमें फालतू की थर्ड पार्टी करती है, सच्चाई है। बट कोहली गाइस गेम का बंदे बोलते गेम का पार्ट है, लेकिन एक हर टाइम थर्ड पार्टी इज अ नॉट गेम का पार्ट, समझ रहे हो ना, फालतू वाली नॉट गेम का पॉइंट, कहीं पे भी कुछ जाना, कहीं पे भी कुछ, वो होता है कि ना आप खुद कोई स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो ना सामने खेलने दे रहे हो, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट कोहली चलता है सब कुछ। तो ये था कंप्लीट मैटर जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, बाकी इसके अलावा कोई भी अपडेट रहेगी मैं आपको पल पल की अपडेट बताता रहूंगा अपने वीडियोस के अंदर में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला, मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।